रामपुर के अंदर जिस तरह से आनी आजम साहब के साथ, भाई अब्दुल्ला के साथ, मौलाना जोहर अली यूनिवर्सिटी के साथ जो अत्याचार वहाँ का प्रशासन कर रहा है, रामपुर के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ लोग शांत पूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना देने रामपुर के लिए जा रहे हैं। और मुरादाबाद की सीमा पर कई जगह रोकने की कोशिश हुई और हमारी विधायक पिंकी यादव जो ओसमोली की विधायक हैं, उनको पुलिस के एक जवान ने बिना नंबर की गाड़ी से एक्सीडेंट किया और आश्चर्य इस बात का कि उस गाड़ी पर नंबर नहीं था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्नाव की घटना जो सामने आई है, इसी तरह की घटना लग रहा है मुरादाबाद में भी कराना का प्रयास था, और वो भी एक विधायक के साथ। और अब जब हम लोग जा रहे हैं शांतिपूर्वक रामपुर, तो हमसे कहा जा रहा है कि 144 आप जा नहीं सकते हो। मैंने ऑर्डर की कॉपी मांगी तो अभी तक ऑर्डर की कॉपी प्रशासन उपलब्ध नहीं करा पाया। अंटिल अनलेस की ऑर्डर की कॉपी कोई नहीं होगी, हम या तो रामपुर तक जाएंगे, और रामपुर नहीं जाने दिया जाएगा तो हम अपने धरना स्थल से उठने वाले जिस तरह से आपका बगल का जिला बेहतर समझते, जो अन्याय अत्याचार हो रहा है मौलाना जोहर अली यूनिवर्सिटी में, मैं गया उस यूनिवर्सिटी में और उस स्वर्णिम मौके पे गया जब वहाँ का कम्युनिकेशन फंक्शन था, पूरे देश और दुनिया के नौजवान वहाँ पे डिग्रियाँ ले रहे थे और खुशी से झूम रहे थे। ऐसे शिक्षण संस्थान को इस तरह से जो बर्बाद करने का षड्यंत्र हो रहा है योगी जी की सरकार द्वारा।